दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ़ोनपे की तरफ एक बार आप गौर कीजिएगा। दोस्तों फ़ोनपे हाई सिक्योर है और दोस्तों फ़ोनपे में हाई सिक्योरिटी के साथ आपको फंड मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने को, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़ोनपे एप्लीकेशन इतने बेस्ट और बेस्ट फंड लेके आई है कि आप यहाँ पर 100 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें और आपको यहाँ पर 27% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो आइए हम समझ लेते हैं सारा कुछ फंडा इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, ठीक है। इससे पहले अगर आपने अभी तक फ़ोनपे एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर दें ताकि जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ वो जानकारी आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर शो कर जाए, ठीक है। दोस्तों जैसे आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है, ठीक है। अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कई टैप आपको देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखो टॉप फंड फोकस यहाँ पर लिखा है, इन फंडों को आपको फोकस करना है। देखो आदित्य बिरला सनलाइट है जो कि 3 साल का रिटर्न दिखा रही है कि आपको यहाँ पर 21% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया है, ठीक है। इसके बाद ये है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपया है और 3 साल का रिटर्न 27.32 है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक फंड और आ जाता है जो कि SBI का है। और दोस्तों ये जो SBI का फंड है ये SBI फ्लेक्सी का फंड है। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1000 रुपये करने होंगे, 21% तक का आपको रिटर्न देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक और है फंड जिसका नाम है ICICI, ठीक है। इस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया है और यहाँ पर 19.38 का रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों लास्ट फंड है DSP मिड कैप फंड, अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम 500 इन्वेस्टमेंट करना होगा और 23% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब हम इन सभी फंडों के रूल्स और नियम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम SDP मिड कैप फंड को क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे तो देखो भाई इसका जो NAV है वो है 93.26, ठीक है। और इसका जो अगर आप मान लो 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं 1 साल की, तो यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर रिडीम पर 1% का आपको रिडीम चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करेंगे तो आपको बिल्कुल 0 चार्ज लगेगा, ठीक है। तो याद रहे अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 1 साल तक आपको पैसा रखना होगा, बाकी लॉकिंग तो 0 है, यानी कि आप कभी भी इसमें पैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन 1 साल के अंदर निकालेंगे तो 1% का कमीशन आपको उल्टा देना होगा, एक बात ध्यान रहे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फंड में रिक्स तो बड़ा हाई है, तो आपको पता होगा रिस्क होता है वहीं पर रिस्क होता है, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो भैया फिर आगे आप नहीं बढ़ पाओगे और ना ही आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम अब यहाँ पर बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अब हम बात करेंगे ICICI के बैंक के बारे में जो कि ब्लू चिप फंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। देखो भाई इसका भी वही रिजल्ट है, 18% तक का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा और आपको मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने होंगे। लॉकिंग की बात करें तो 0 रहेगा, यहाँ पर भी रिस्क बहुत ही हाई रहेगा। NAV इसकी 66.65 है और अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 1% का कमीशन देना होगा। तो याद रहे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल के बाद ही आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो देखो भाई इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 1000 रुपये और यहाँ पर आपको 20% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लॉकिंग की बात करें तो 0 है, NAV बात करें तो 77.61 है और यहाँ पर अगर आप 30 दिन के पहले पैसे निकालते हैं तो 0.10% के हिसाब से आपको पैसा यहाँ पर देने होंगे उल्टा। तो दोस्तों ये 1 रुपये से भी कम है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फंड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट
कर सकते हो। ठीक है, अभी और जान लेते हैं दूसरे फंड के साथ, इससे भी बेटर हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम बैक हो जाते हैं। ठीक है, और बैक होने की बात अब हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि 27% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये करने होंगे, और यहाँ पर लॉकिंग की बात करें तो 0 है, और यहाँ पर दोस्तों 2118.64 की NAV देखने को मिल रही है, तो NAV भी अच्छी खासी है। और अगर आप 1 महीने के अंदर पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का रिटर्न देखने को, सॉरी 1% का आपको रिडीमिंग चार्ज लगाया जाएगा, और अगर आप 1 महीने के बाद निकालेंगे तो आपको बिल्कुल चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आप 1 महीने से ज़्यादा पैसा रख सकते हैं तो भैया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 26% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो अगर मेरे पास में यहाँ 10,000 रुपये है और मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो 10,000 रुपये का, मात्र 10,000 रुपये का दोस्तों यहाँ पर 3 साल में 20,350 रुपये बन जाएगा, यानी कि दुगना। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली 500 रुपये की SIP करता हूँ तो 3 साल में 26,480 रुपये बनेगा, और मैं इसकी 1,000 की SIP करूँगा तो 52,961 रुपये 3 साल में, और 7 साल में दोस्तों 1,46,000 रुपये हमारे बन जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल नॉर्मल लिया है इन लोगों ने, 15% का ही जोड़ा है, बाकी 26% कोई नहीं डरेगा, आपका 26 नहीं आएगा तो 20 तो पक्का ही आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 1 महीने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वाले फंड में आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, आदित्य बिरला सनलाइट की बात करते हैं तो मिनिमम यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट है, रिस्क तो हाई है, और यहाँ पर NAV भी अच्छी है, और दोस्तों ये भी 1 साल के अंदर अगर आप निकालेंगे पैसे तो यहाँ पर आपको 1% का चार्ज लगने वाला है। तो सबसे अच्छा दोस्तों मुझे फंड यही लगा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, क्योंकि यहाँ पर पैसे भी इन्वेस्टमेंट कम है और लॉकिंग भी कम है, मतलब यहाँ पर आप 1 महीने ज़्यादा रखेंगे तो आप निकाल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट है, आगे आपकी मर्जी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लें, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो भैया कमेंट करके भी हमको बता दें और हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।